नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। जहां एक ओर सरकार की तरफ से गोवंशों के लिए सरकारी गौशालाएं खोल रखी हैं, वहीं आज बल्लभगढ़ की पंजाबी धर्मशाला के पास मोहना रोड के नाले में एक नंदी के गिरने से इलाके के लोगों में भारी रोष देखने को मिला। आए दिन कोई ना कोई गोवंश नाले गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और नगर निगम गोवंशों के लिए कोई ध्यान नहीं देता। बल्लभगढ़ की मोहना रोड पर एक नंदी गहरे नाले में गिर गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने गोवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ के संयोजक शिवा धैया को दी, जिसके बाद शिवा धैया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ये जो नंदी महाराज नाले में फंसे हुए थे, ये हमारे पास खबर आई थी करीब 3 घंटे पहले। अच्छा, लेकिन हमारी टीम गोवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ उस टाइम सेक्टर 21 में एक गोवंश का इलाज कर रही थी, जिसकी वजह से हम लेट हुए। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, उन्होंने नगर निगम और 112 नंबर पर भी कॉल की थी, तो उन्होंने हमें बताया करीब 2 घंटे हो गए थे उन्हें कॉल किए हुए, लेकिन कोई भी सोल्यूशन वहाँ से नहीं हुआ। कोई भी ऐसा MCF का कर्मचारी या प्रशासन कुछ भी नहीं आया। हमारी टीम वहाँ पहुँची है 2 घंटे बाद। तो टीम के करीब हम 15 से 20 मेंबर गए थे वहाँ पर, और करीब करीब 1 घंटा हमें लगा। 1 घंटे बाद JCB की मदद से हमने नंदी महाराज को नाले से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हमें निकालने में 1.5 घंटा लगा था। हम पे कॉल आई थी सेवा भैया की कि ऐसे ऐसे आप इधर आ जाइए, वो 21 सेक्टर में किसी केस को कर रहे थे, तो हम उधर पहुँचे। तो हमें करीबन 1-1.5 घंटा लग गया था इसको निकालने में। बहुत मुश्किल से निकाला है गोवंश को। ऊपर रखो थोड़ा।